गुड मॉर्निंग क्लास टू. टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद इंग्लिश लैंग्वेज एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद लेसन नंबर 14, पोजेसिव्स. पोजेसिव मीन्स, पोजेसिव आर दोज वर्ड्स विच टेल अस अबाउट दैट थिंग्स बिलोंग टू हूम. कोई चीज किसकी है. जब हमें किसी वर्ड से, किसी शब्द से ये पता चलता है कि ये चीज किन की है, हमारी है, इनकी है, आपकी है, जिसकी भी है, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं पोजेसिव. और ये वर्ड्स हमेशा नाउन्स के पहले ऐड होते हैं. नाउन्स क्या होते हैं? इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. तो इनके पहले जब ऐड होते हैं कि ये चीज किसकी है, वो होते हैं पोजेसिव. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट. आपको वर्ड्स दिए हैं, प्रोनाउन्स आर गिवन एंड आपको पोजेसिव यूज करने हैं. ओके. डैश हेयर इज शॉर्ट. अब यहां पे ही है बॉय. बॉय के साथ हम क्या यूज करते हैं? हिज. His hair is short means उसके hair short है. Dash hair is long. She है, that means her hair. Because girl के साथ हम her use करते हैं. Her hair is long, उसके hair बड़े हैं. Mayank and Shaisha have lost Dash bike. Mayank और Shaisha, there are two people, मतलब they, तो they will become their, उनकी bike खो गई है. I have left Dash umbrella at home. मैं अपना umbrella घर पे भूल गया हूँ. मतलब मेरा umbrella, my, okay? So I will change into my. This is Dash car. We है, मतलब ये हमारी कार है, तो हमारी means our. I have a brother. मेरे पास एक brother है. Dash name is Siddharth. उसका name क्या है? His. Boy है, brother है, तो his name is Siddharth. Is this Dash pen? यहाँ पे you है, तो क्या ये तुम्हारा pen है? तुम्हारे के लिए हम क्या use करते हैं? Your. I found it on the classroom floor. मुझे ये classroom की जमीन पे मिला. डैश आर हाउस, डैश हाउस इज प्रिटी. वी मतलब हमारा घर सुंदर है, प्रिटी है, तो आर. द वर्ड्स हिज, हर, माई, देयर, आर, योर एंड इट्स टेल अस दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन. ये सारे वर्ड्स हमें पता चलते हैं कि कौन सी चीज किसकी है. दीज वर्ड्स गो बिफोर नाउन्स, नाउन्स के पहले यूज होते हैं. दीज वर्ड्स आर कॉल्ड पोजेसिव. और इन वर्ड्स को हम पोजेसिव कहते हैं. ओके, रीड दीज सेंटेंसेज. दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन. यहाँ पे ये मेरा पेन है. ओके, माई विल चेंज इन टू माइन. This is our car. This car is ours. ये हमारी गाड़ी है, तो यह our will change into ours. इधर देखिए, your will change into yours. His will remain his, but her will change into hers. This is their car. Their will change into theirs. Now just look at this table. Possessive followed by nouns. Possessive that stand alone. जो नाउन्स के पहले आते हैं, और जो नाउन, अगर जिन सेंटेंसेस में नाउन नहीं गिवन है, तो हम ये वाले पोजेसिव यूज करते हैं. आई विल चेंज इन टू माई, देन माइन. यू योर, योर्स. वी आर, आर्स. ही हिज, शी हर, हर्स. इट इट्स, निल. दे देयर, देयर्स. नाउ चूज द करेक्ट वर्ड. डैश नेम इज रघु. मेरा नाम रघु है, तो माई. ओके, फिल माई. मिस कोहली इज डैश इंग्लिश टीचर. मिस कोहली हमारी इंग्लिश टीचर है, सो राइट आर. Shall we watch the match at their house or dash? क्या हमें मैच उनके घर देखना चाहिए कि हमारे? So ours. I have two brothers. मेरे दो brothers हैं, तो उनके के लिए we will use their. Their names are Love and Kush. Rohit likes cricket. Dash favorite player is Virat Kohli. रोहित को क्रिकेट अच्छा लगता है, उसका फेवरेट प्लेयर कौन है? उसका, that means boy. Rohit is a boy, so we will use his. His car is red, dash is blue. उसकी कार रेड है, मेरी ब्लू है, तो mine. राधिका एंड चारूलता आर तमिलियंस. राधिका और चारूलता तमिलियंस है. वी आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल, तो देयर फैमिली इज फ्रॉम तमिलनाडु. देयर हो जाएगा. वी हैव अ पेट डॉग. डैश डॉग्स नेम इज थम्बलीना. हमारे पास एक पेट डॉग है, उसका नेम आर, मतलब हमारे डॉग का नेम थम्बलीना है, तो आर. वी हैव आर कार. हैव यू गॉट डैश? हमारे पास गाड़ी है, कार है, क्या आपके पास है? तो योर्स. द डॉग सॉ मी एंड वैग डैश टेल. डॉग ने मुझे देखा और अपनी टेल हिलाई, पूंछ हिलाई, तो इट्स. So this is your work for today. You have to fill these two exercises in your book. Okay, ये two exercises आपको अपनी book में fill करनी है. This one and this one. Okay, and just learn the spellings. Thank you, children.